हेलो वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूँ। और आज की यह वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। आइए आपको दिखाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हम क्या सीखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये एक डेटा है हमारे पास। अगर आपको इसको सिलेक्शन में लेना है तो माउस पकड़िए और यहाँ तक ड्रैग कर दीजिए। ये पहला तरीका हो गया सेलेक्ट करने का। दूसरा तरीका क्या हुआ कि आप नेविगेशन की का प्रयोग कीजिए, ऊपर आ जाइए और अब शिफ्ट बटन प्रेस कीजिए और फिर नेविगेशन की ही मदद से शिफ्ट बटन प्रेस किए किए इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए। ये दो तरीके तो समझ में आते हैं। तीसरा तरीका क्या है, शॉर्टकट की का। शॉर्टकट की क्या यूज करेंगे हम, आपको कंट्रोल प्रेस करना है और इनटू वाला बटन जो है वो प्रेस कर लेना है सिंपली। तो जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप पूरे डेटा को सेलेक्ट कर पाएंगे। अब देखिए आपको न्यूमेरिक की प्रेस करनी है, कंट्रोल और इनटू न्यूमेरिक की। जैसे ही प्रेस करेंगे तो जो आपका रिलेटेड डेटा है, जो डेटा आपका होगा वो पूरा अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप न्यूमेरिक की नहीं प्रेस कर रहे हैं तब क्या करना है, तो न्यूमेरिक की नहीं प्रेस करेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट और फिर ये इनटू वाला बटन प्रेस कीजिएगा, तब जाके आप इसको सेलेक्ट कर पाएंगे। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि इसको सिलेक्शन में कैसे लेना है, शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।